विवेक जी, आपके लिहाज से क्या मिडिल क्लास को इस बार इनकम टैक्स लाभ में राहत मिलेगी? क्योंकि हर बार यही चर्चा होती है कि कैसे जो है वो टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई जाए, उनकी जेब में पैसा ज्यादा रह सके, क्योंकि हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में मिडिल क्लास को हताशा ना हो, इसका वित्त मंत्री ध्यान रखेंगे भी या नहीं? देखिए, एक चीज जो इस बजट में है जो पिछले बजट में नहीं होगी, मेरा जो ऑब्जर्वेशन लास्ट बजट में भी था, मैं एनालिसिस में उससे पहले भी था कि समहाउ मुझे ऐसा लगा था निर्मला सीतारमन जी शी इज ट्राइंग टू अवॉइड एनीथिंग कॉन्ट्रोवर्शियल, तो वो एक आउटलाइन सा दे करके शी ट्राई टू जस्ट वॉक अंतरिम बजट की बात है जी। तो इस बार लेकिन अब क्या है, एक तो इनकी अपनी एक कोलिशन की सरकार है, ये मोदी सरकार नहीं है, बीजेपी सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है, तो कहीं ना कहीं घटक दलों के अपने जो सुझाव है, अपने जो प्रेशर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। ऑपोजिशन बहुत सशक्त रूप से आया है, आपको उसको भी परिपेक्ष में रखना पड़ेगा। अगर आपने उसको परिपेक्ष में नहीं रखा देन दैट कुड स्पेल ट्रबल। अगर आप रोजगार सृजन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, कैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बोला साहब जो हमारा प्रोजेक्शन है भारत के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं साहब, 7% की ग्रोथ का हम प्रोजेक्शन देते हैं, जो कि पिछले बार से 20 पॉइंट ज्यादा है। लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी सारे इंडेक्सेस हैं, आपका इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है समाज के अंदर वो बहुत ज्यादा बड़ी है। देर आर सर्टन सेक्शंस जो प्रॉस्पर करते चले जा रहे हैं और लोअर मिडिल क्लास मेरे ख्याल से समहाउ यू नो दे आर गोइंग डाउन, तो वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को आपको कहीं ना कहीं हैंडल करना पड़ेगा। एजुकेशन आपका एक्सपेंसिव हो चुका है, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, प्रोफेशनल हो या स्कूल की पढ़ाई हो। नौकरियां आपकी लेस है, मैं गवर्नमेंट जॉब्स की बात नहीं कर रहा, मैं प्राइवेट जॉब्स की बात कर रहा हूं, मैं कैंपस इंटरव्यूज की बात कर रहा हूं, और जो हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भी हुआ है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की भी लगातार बात है। एब्सोल्युटली, तो मेरे हिसाब से देखिए, अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि व्हाट द बजट शुड बी, तो मेरे हिसाब से ट्राई टू डिक्रीज द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो हमारे समाज में है, जिसको अनुराग कश्यप जो फिल्म निर्देशक है उनकी बेटी ने कहा था साहब मैं एक पर्टिकुलर शादी में नहीं जाऊंगी क्योंकि वो शादी कम और सर्कस ज्यादा बन चुका है, 5000 करोड़ की शादी। तो मेरे ख्याल से ये जो 5000 करोड़ की शादी, एक आपका बेंचमार्क हो गया, और दूसरा वो गरीब है जो दिल्ली में आकर के नौकरी करने के बाद भी शायद एक घर नहीं बना सकता है, तो इस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को आपको कम करना पड़ेगा। और सिर्फ मैं 10 सेकंड और लूंगा, मेरी तो यही अपील रही है भाजपा से हमेशा जब हम डिस्कशन करते हैं कि दो अलग अलग क्लास स्ट्रक्चर मत क्रिएट करिए आप, कि अमीर के लिए अलग स्कूल, गरीब के लिए अलग स्कूल, अमीर के लिए अलग हेल्थ केयर सिस्टम, गरीब के लिए अलग हेल्थ केयर सिस्टम, इधर की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अलग और गरीब की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अलग, यू समहाउ नीड टू बैलेंस। वो चीज पिछले बजट्स में हम लोगों को मिसिंग लगी, तो दैट इज व्हाट मेरे ख्याल से इस बार हमारी एक्सपेक्टेशन है। एग्रीकल्चरली ऑल्सो वी वॉन्ट कि फार्मर की इनकम थोड़ी बढ़े, क्योंकि किसान जो है, फार्मिंग इज नो लॉन्गर ल्यूक्रेटिव। लोग और यंगस्टर्स, किसान तो देख ही रहे हैं सर उम्मीद भरी नजर से, भाई यंग लड़का जो है वो कहता है मैं खेती में नहीं जाना चाहता, वो अपनी तहसील और गांव को छोड़ करके बड़े शहर में रोजगार के लिए आता है। ये गलत ट्रेंड्स हैं हमारे, तो ये 2-3 सेक्टर्स ऐसे हैं मेरे हिसाब से, इस पे अगर गवर्नमेंट वर्कआउट करे तो आई एम श्योर वील स्टार्ट मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। सैयद जफर इस्लाम जी, कुछ आंकड़े हैं मेरे पास। भारत में प्रति व्यक्ति सालाना आय 31 मार्च 2024 को $2700 थी, जो प्रोजेक्ट करके 31 मार्च 2029 आईएमएफ का, ये मैं डेटा बता रही हूँ, $4300, लगभग डबल के करीब इसे करने की कवायद होगी। ये कैसे अचीव होगा सर? प्रति व्यक्ति सालाना आय कैसे बढ़ेगी, जब एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम टैक्स लैब्स में कोई छूट नहीं दे रहे हैं, या फिर हम किस तरीके से आय बढ़ाई जाएगी उस पर कोई रोड मैप क्लियर नहीं है, ऊपर से आपको रोजगार का प्रेशर है कि कैसे रोजगार सृजन होगा, 3 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, तो लोक लुभावन बजट का जो लगातार दबाव सरकार पर होता है, साथ ही राजकोषीय घाटे की भी चिंता रहती है कि ऐसे ये घाटा बढ़े ना, ये सब कुछ कैसे समाहित होगा इस बजट में? देखिए, 3-4 चीजें बहुत अहम है। पहली बात है कि अगर आप पूरा इकोनॉमी को देखें, जीडीपी भी जिस तरह से आता है उसमें कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, एक्सपोर्ट है और इम्पोर्ट है। अगर आप कंजम्पशन देखें तो जिसका कंट्रीब्यूशन जो है वो 58% और 60% के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है, बाकी इन्वेस्टमेंट का होता है। इन्वेस्टमेंट जो है वो ऐसा, जैसा बेजॉन जी भी कह रहे थे कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट, मतलब पब्लिक गवर्नमेंट जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाती जा रही है और प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कम हो रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से ट्रेंड बढ़ता जा रहा है
और जो एक्सेस कैपेसिटी सिस्टम में जो थी वो खत्म हो रही है, तो प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है अब जीडीपी में ज्यादा होगा। इन्वेस्टमेंट जो है, प्राइवेट कैपेक्स जो है वो अब ज्यादा देखने को मिल रहा है, और इसीलिए जो ऑफटेक जो है, क्रेडिट ऑफटेक, वो भी बढ़ा है। जितनी उसी में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, इसलिए का उसका 35% जो 30% का 35% जो है इन्वेस्टमेंट वो प्राइवेट सेक्टर से आता है। तो वो अगर जब थोड़ा एक्टिव हो जाएगा, जिसके सारे जो इंडिकेटर्स है कि वो एक्टिव हो रहे हैं, उससे जो है ज्यादा से ज्यादा नौकरियां बढ़ेंगी, ज्यादा से ज्यादा इनकम लेवल बढ़ेगा, प्लस गवर्नमेंट की जो कोशिश है आप इकोनॉमिक सर्वे नौकरियां एक सेकंड सर, बस एक आंकड़ा आपको बता दूं, क्योंकि नौकरियों का एक बड़ा चैलेंज इसलिए भी है क्योंकि आबादी के लिहाज से हम चीन से भी आगे हैं। 31 मार्च 2024 के आंकड़े जो हैं उसमें 141 करोड़ चीन की आबादी है, हमारी 144 करोड़ है, जो प्रोजेक्टेड है 31 मार्च 2029 में 150 करोड़, यानी कि चीन से भी बहुत ज्यादा आगे। यानी कि आबादी, पॉपुलेशन का प्रेशर आपके ऊपर है, रोजगार सृजन उस लिहाज से एसेट है, लेकिन वो टैप नहीं हो पा रहा। हाँ, ये एक एसेट है। मैं इसके बारे में आपने सही कहा कि यंग फोर्स दुनिया में, यंग फोर्स जो है वो हिंदुस्तान में है, और चीप लेबर भी जो हिंदुस्तान में है, इसलिए सरकार भी दो तीन तरह से कोशिश कर रही है। एक तो जो बाहर के जो कंपनियां हैं उसको हिंदुस्तान में आके शॉप सेटअप करें, इससे सरकार की एक अलग इनिशिएटिव है, जिससे दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को इंडिया में लाके उनके फैक्ट्रियां, उनके शॉप सेटअप करने की जो कवायद जो है भारत सरकार ने शुरू की, उसमें बड़ी कामयाबी मिलने की उम्मीद है, जिससे कि बहुत सारी कंपनियां यहां आएंगी और उसकी वजह से बहुत सारी नौकरियां भी होंगी, व्हाइट कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब सब होंगे। उसके साथ साथ जो प्राइवेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा उससे भी नौकरियां बढ़ेगी। यंग फोर्स के लिए दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी जो हमारी सरकार ने शुरू से की है। एक तो स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, स्किलिंग बहुत जरूरी है। हम अगर पढ़ और जो एजुकेशन है वो भी नौकरी जो जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए उसकी भी है। सिर्फ एमबीए, सिर्फ बीए कर लिया या ग्रेजुएशन कर लिया उससे जॉब नहीं मिलती, इसलिए कि स्किल जो इंडस्ट्री चाहती है स्किल सेट, इसलिए स्पेशल स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। लेबर का अभाव है, यही आप कह रहे हैं। हाँ, और इसके लिए इसमें फोकस जो आगे इकोनॉमिक सर्वे भी बताता है कि अगर 80 लाख जो है अगर नौकरियां हर साल करनी है तो स्किल डेवलपमेंट पे फोकस और भी ज्यादा होना चाहिए, जो सरकार ने रखा है। और अब मुझे लगता है कि एजुकेशन पैटर्न भी ऐसा चेंज होगा तो सीधे जो है जॉब ओरिएंटेड होगा। और मुझे एक चीज और आपको कहना है कि देखिए जो सरकार ने क्या कोशिश की है, जो पहले की सरकारों से अलग है, हमने लास्ट माइल जो ईज ऑफ लिविंग है उसमें फोकस किया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जैसे घर आप जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल तो सर लगातार बढ़ रहा है, और आप जैसे घर आप बना रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, देश के बाकी हिस्सों में भी रूरल एरिया में बिजली की दरें बढ़ रही है। सर आपकी कौन सा चश्मा सुबह पहन के आते हैं जो सब कुछ आपको अच्छा ही दिखाई देता है? अरे देश अच्छा लग रहा है, पूरी दुनिया को अच्छा लग रहा है। अखबारों की हेडलाइन बनता है कि बिजली की दरें किस तरीके से लगातार स्काई रॉकेट की तरह आगे बढ़ती जा रही है। नेहा जी, पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि भारत सरकार ने जो इनिशिएटिव लिए हैं, जो पॉलिसी रिफॉर्म्स किया है, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किया है, उसके कारण आज दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी है, तेज रफ्तार से बढ़ रही है। और जब इकोनॉमी जब अच्छी बढ़ती है और फिस्कल कंसोलिडेशन रहता है तो जाहिर है, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जब होता है तो जाहिर है टॉप थ्री जल्दी हो जाएंगे, ये आप कह रहे हैं। छोटा सा रिएक्शन, और उसमें आपकी जॉब भी क्रिएट होगी, व्हाइट कॉलर एंड ब्लू कॉलर जॉब। मेरा केवल छोटा सा रिएक्शन ये है कि जाफर भाई ने बिल्कुल सही आउटलाइन किया, लेकिन जब तक आप तंत्र को एक ऐसा रूप नहीं देंगे कि वो एफिशिएंट हो, वो अकाउंटेबल हो, वो ट्रांसपेरेंट हो, तब तक आप वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो आप बोल रहे हो, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का बहुत अहम रोल है। जब तक स्टेट गवर्नमेंट को आप नहीं हिलाएंगे और उसको नहीं याद कराएंगे कि उनका जिम्मेदारी क्या है इम्प्लीमेंटेशन का, तब तक यूथ, जो हमारे यंगेस्ट पॉपुलेशन जो वर्ल्ड का हाईएस्ट है इंडिया में, उसको आप कैसे मोबिलाइज करेंगे? उसको मोबिलाइज कर नहीं पाएंगे। वो केवल नौकरी नौकरी के पीछे नहीं जाना चाहिए, वो जॉब क्रिएट करने का उसको क्या है, इस पर जाना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप।